हेलो, माय सेल्फ अंजलि भार्गव। तो आज हम पवित्र तुलसी, जिनको हम हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी माता भी कहते हैं, उनकी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पवित्र तुलसी जो है उनकी उत्पत्ति हुई। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के तेज से तेजस्वी बालक जन्मा, जिसको जो दैत्य बना था, जिस जो दैत्य राजा जलंधर बना। जलंधर जो था उनका उसका विवाह दैत्य राजा कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। अब लेकिन जलंधर बहुत अभिमानी था, तो अभिमानी जलंधर जो है उसने माता लक्ष्मी और देवी पार्वती जी को पाने के लिए विविध छल किए। लेकिन विष्णु जी को यह बात पता चली कि जलंधर की जो पत्नी है वृंदा, उसके पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर को मारा और पराजित नहीं किया जा सकता। अतः वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके और वो वन में वृंदा के पास पहुँचे और अपने माया जाल से जलंधर का सिर और धड़ उन्होंने प्रदर्शित किया। यह देखकर वृंदा ने ऋषि रूपी जो भगवान है उनसे विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर को जीवित कर दिया, परंतु स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। इससे वृंदा का सतीत्व भंग हुआ और जलंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को सत्य का पता चला, तो उसने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया और वे शालिग्राम पत्थर बन गए। तो शालिग्राम जो पत्थर है वो विष्णु भगवान का प्रतीक है। तब सभी देवों ने वृंदा से विष्णु जी को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की, लेकिन वृंदा ने उन्हें श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा, और तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर वृंदा को तुलसी के रूप में सदा अपने संग रहने का वरदान दिया। तो ये है तुलसी, पवित्र तुलसी माता की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।